गरीब वर्सेस अमीर का डांस। एक गांव में दो बस्तियां थीं, एक अमीरों की बस्ती जहां केवल अमीर लोग ही रहा करते थे, तो दूसरी गरीबों की बस्ती जहां गरीब लोग रहा करते थे। अमीरों के घर में जब भी कोई फंक्शन होता था तो वो लोग डीजे लगाकर खूब नाचते थे, जिससे दूर से गरीब बस्ती के लोग देखते रहते थे। ऐसे ही एक बार कालू पहलवान, जो कि एक अमीर आदमी होता है, उसके घर में कोई फंक्शन होता है तो उसके घर के सभी लोग घर के बाहर आके नाच रहे होते हैं, जिसे देखकर दूर खड़े कुछ लोग, अरे राधिका देख तो, कालू सेठ के यहाँ कितना अच्छा गाना बज रहा है, मेरा तो नाचने का बहुत ही ज्यादा मन हो रहा है। तो देर किस बात की, चलो नाचते हैं। फिर दोनों औरतें वहीं नाचने लगती हैं। तभी उन्हें देखकर एक आदमी और औरत कहते हैं, देखो सोनू की अम्मा, दोनों पड़ोसों ने कैसे नाच रही हैं। इनको देखकर तो मेरा भी मन डोल रहा है, मेरा तो बचपन से ही डांसर बनने का सपना था। तो देर किस बात की जी, चलो नाचते हैं। फिर वो दोनों उन औरतों के साथ ही नाचने लगते हैं। तभी दूर से कलुआ के कुछ मेहमान गरीबों की बस्ती में अमीरों की बस्ती का गाना सुनकर लोगों को नाचते हुए देख लेते हैं, जिससे वो जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। अरे कलुआ भैया, कैसी जगह घर लिए हो, देखो तो तुम्हारे घर का शोर सुनकर वो भूखे नंगे गरीब कैसे पागलों की तरह बिना गाने के ही नाच रहे हैं। पुअर बेगर, देखो तो भिखारियों की तरह नाच रहे हैं कैसे। अरे हमने तो कलुआ के यहाँ आकर ही गलती कर दी, पूरा माहौल ही खराब हो गया। चलो दोस्तों, चलते हैं यहाँ से। फिर सभी वहां से चले जाते हैं। वहीं कलुआ पहलवान को गरीबों की इस हरकत पर काफी गुस्सा आता है। फिर वो उनके पास जाकर कहता है, अरे इडियट लोग, ऐसे कौन नाचता है? कहाँ हुआ साहब, अच्छा नहीं नाचे क्या? अरे मूर्ख औरत, साहब तारीफ कर रहे हैं इडियट कहकर। अच्छा तो ई तो बहुत अच्छी बात है जी, धन्यवाद साहब। तुम जाहिल लोगों ने पूरी पार्टी का सत्यानाश कर दिया, एक तो नाचना आता नहीं, ऊपर से दूर से ही हमारी पार्टी का कबाड़ा कर दिया, बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है तुम में। इस तरह कलुआ सेठ उन सभी की खूब बेइज्जती करता है। तभी गरीबों की बस्ती का प्रेसिडेंट वहां आ जाता है। अरे ओ कलुआ सेठ, आप इस तरह हमारी बस्ती वालों को कुछ उल्टा सीधा नहीं कह सकते, समझे, वरना ठीक नहीं होगा। अच्छा तुम लोग तो हो ही जाहिल, नाच गाने का कबाड़ा करके रखा है, अरे तुमको आता नहीं है तो कम से कम नाच गाने का कबाड़ तो मत करो। ऐसा नहीं है, हमें बहुत अच्छा नाच गाना आता है। हाँ हाँ, हम तो स्कूल में फर्स्ट प्राइज जीते थे। अच्छा अगर ऐसा ही है तो कर लेते हैं एक मुकाबला, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मंजूर है, हो जाए मुकाबला, लेकिन मुकाबला दोनों बस्ती के बीच होगा। हाँ हाँ मंजूर है। फिर अगले दिन दोनों बस्ती के लोग अपनी अपनी टीम के साथ वहां आते हैं, जहां एक तरफ डीजे होता है और दूसरी तरफ कुछ नहीं, जिसे देखकर अमीर लोग अपना डांस स्टार्ट करते हैं, जिसे देखकर गरीब और अमीर दोनों तालियां बजाते हैं। वाह साहेब, बहुत अच्छा डांस किए, अब देखना हम लोगन को कैसे नाचेंगे। सड़क छाप लोग, देखते हैं कितना अच्छा डांस करोगे। इससे पहले कि राधिका कुछ कहती, छोड़ राधिका, चल नाचते हैं, अभी इन्हें पता चल जाएगा। तभी सभी गरीब बस्ती वाले वहां हाथ में थाली और डंडा लेकर बजाना शुरू करते हैं। वहीं सुकन्या और राधिका उस थाली की आवाज पर जमकर नाचती है। और उनका डांस परफॉर्मेंस देखकर तो अमीरों की बोलती ही बंद हो जाती है। तो कलुआ सेठ, क्या अभी भी आपको कुछ कहना है? नहीं, मुझे माफ कर दो तुम सभी, दरअसल तुम लोग सच में बहुत ही बेहतरीन डांस करते हो, मुझे माफ कर देना जो मैंने तुम्हारी कला का मजाक बनाया। फिर गरीब कलुआ सेठ को माफ कर देते हैं और वो वहां से चला जाता है। अच्छी लगी कहानी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलता हूँ दोस्तों अगली कहानी में, अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।